हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ मेक इजी। आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर चैप्टर का एमसीक्यू सीरीज का पार्ट थ्री। तो ऑलरेडी पार्ट टू में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया, आज हम लोग देखेंगे रैशनल इरेशनल का जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले इसका जो बेसिक थ्योरी है रैशनल इरेशनल नंबर का, क्या होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको पहले देखेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं उसका थ्योरी पोर्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है रैशनल नंबर, होता है पी बाय क्यू फॉर्म। ओके, पी बाय क्यू फॉर्म में जो नंबर को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द कॉल्ड द रैशनल नंबर। पी क्यू इज द को प्राइम। ओके, सो पी क्यू को प्राइम है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका एंड हो जाता है, एक टाइम डिवीजन के बाद एंड हो जाएगा। जैसे 18 को 4 से डिवाइड किया, क्या आ जाएगा, 4 जा 16, देन 2 पॉइंट आ गया 0, 4 5 जा 20। देखो एक टाइम के बाद एंड हो गया है 4.5, तो दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीनिंग ही होता है एंड। देन नेक्स्ट देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जो रिपीट होते जाएगा। एक होता है रिपीट मतलब जिसका एंड नहीं है, एक होता है रिपीट और होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग मतलब जो नंबर बार 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 घूम फिर के आएगा। दैट मीन्स सोचे एक एग्जाम्पल लिया, 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1 पॉइंट आएगा 0, 3 3 जा 9, फिर से देखो इसको जितना बार डिवाइड करोगे ही आते जाएगा पॉइंट के बाद 3 3 3, ऐसा क्या रिजल्ट आएगा पॉइंट के बाद 3 3 3। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग। इसके ऊपर पॉइंट में भी और डैश में भी इसको डिनोट करते हैं, दिस इज द रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये सबको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या, रैशनल नंबर। दिस इज टर्मिनेटिंग ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट एज ए रैशनल नंबर। बट नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है जो नंबर कभी कोई पैटर्न नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होते। सोचो 1 2, ठीक है ना, नेक्स्ट में क्या आया 1 2 3, फिर से क्या आया 1 2 3 4, देन डिवाइड करोगे तो 1 2 3, सोचो, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पे एक 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 इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ टर्म्स तक हो रहा है बट फिर से 4 5 आ गया। जैसे नॉर्मली और एक मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, 1 0, फिर से 1 00, 1 000, रिपीट देखो एक टाइम तक रिपीट हो रहा है बट यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। तो जब भी नॉन रिपीटिंग होता है इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर होते हैं उसको हम लोग कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी सोचो 0.3, ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब कोई भी नंबर को डिवाइड करने के बाद सोचो 1 आया, देन इसको लिखोगे तो 1 2 3 2 3, तो कौन सा टर्म रिपीट हो रहे, 2 3 2 3, इसलिए इसके ऊपर मैंने लाइन लगाया। ओके, तो ये जो नंबर है इसको तुम लोग लिखोगे तो क्या होगा, जो जितना नंबर के ऊपर, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, जितना नंबर के ऊपर यहाँ पे बार है उतना क्या आएगा नीचे, 3 बाई 9। तो यहाँ पे क्या होता है, और जिसके ऊपर क्या नहीं है, बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, ये जो नंबर है इससे वो नंबर माइनस होगा। देन जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9, और जिसके ऊपर नहीं है उतना 0। तो क्या किया, जिसके ऊपर पूरा नंबर लिखोगे, जितना नंबर के ऊपर बार है उतना 9, और जिसके ऊपर नहीं है 0। सेम वे से यहाँ से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 122/99, 0। फिर से और एक दो एग्जांपल लेके देखती हूँ, जैसे 1.47352, सोचो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन तीनों के ऊपर इस तीन नंबर से रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स ऐसा आ रहा है 4 7 3 5 2 3 5 2 3 5 2, ए वाला टर्म रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा, 1.1 तो पूरा अलग नंबर है, रहने दो, जो नंबर मैंने क्या बताया, जो नंबर है उसको पॉइंट के बाद उसको पूरा लिखो, और जिस दोनों पॉइंट के बाद जिस दोनों नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना है, इस नंबर से माइनस करना है। देन
टोटल जितने के ऊपर बार है उतना 9 और जिसके ऊपर नहीं है पॉइंट के बाद उतना 0। अब इसको कैलकुलेशन करें नॉर्मली 1 point something मतलब 1 इज द होल नंबर, पॉइंट को अलग कर लिया, ठीक है ना। जैसे 1.23 इसको मैं लिख सकती हूँ ना, 1 + 0.23, सेम तरीके से पहले इसको लिख लिया। देन 4, 7 यहाँ से माइनस करोगे 5, 0, 3, 9, 9, 9, 0। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, आप हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 0, देन 2 0, 3 0 ऐसे करके रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, देन यहाँ पे क्या है, 0.16 होल बार, अभी सिखाया पॉइंट के बाद जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतना 9, तो 16/99 दिस इज द क्या है, P/Q फॉर्म है, सो रैशनल नंबर। देन यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज करके यहाँ पे एच से फाइंड करना है, ये ऑलरेडी प्रीवियस में डिस्कस किया। तब भी क्या करोगे, जब भी लार्ज नंबर का होता है, और लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कर सकते हो इसको। लॉन्ग डिविजन मेथड क्या होता है, यूक्लिडियन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करोगे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ऐसे 2 से जाएगा, आई थिंक 2 2 4 6 8 6 9, फिर से जो रिमाइंडर आएगा उससे जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करना है। फिर से यहाँ पे देखो किससे जाएगा, 5 से नहीं होगा, 4 से चेक करो, 4 6 24 कैरी 2, ठीक है ना। ओके, फिर से 96 को डिवाइड करो 2 से, जब तक जीरो ना आए रिमाइंडर जब तक कंप्लीट ना हो तब तक डिवाइड करना है। उस टाइम जो डिवाइजर आया वो क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, 48। यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे लॉन्ग यूक्लिडियन डिविजन बताया, बट MCQ में ध्यान मत दो कि कौन सा प्रोसेस में, आंसर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है, देन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या है, फाइंड HCF एंड LCM दिस, मैंने क्या बताया था, जब भी लार्ज नंबर रहेगा उसका HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है, उसका क्या ले लो, उसका डिफरेंस ले लो, अदरवाइज 54 है, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 54 का 2 × 27 होता है, 27 का 3 × 3 × 3, ओके। एंड इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लो, क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 2 3, तो कितना बार, 1 2 3 4 times 2 and 3 1 time 7 1 time, तो एच सिर्फ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इस प्रोसेस से हम लोग क्या देखा था, जितना लोएस्ट पावर को लेना है, 2 2 का लोएस्ट पावर इन दोनों में क्या है, 1, तो 2 आ जाएगा, 3 का लोएस्ट पावर 1, 7 एक में तो नहीं है, तो हम लोग 7 को नहीं लिख सकते हैं, तो एच से विच द 6। एंड LCM यहाँ से क्या होगा, एच सेफ तो होगा ही, उसके साथ साथ 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 4 हाईएस्ट पावर लेना है, 3 का पावर क्यूब इंटू 7, तो आ गया LCM एंड HCF। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बताया है HCF इंटू LCM इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे इसके साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आई थिंक बहुत इजीली इसको याद है कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF LCM फाइंड आउट करते हैं। देन यहाँ पे आ जाओ कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स दिस 2 नंबर्स एंड लिविंग रिमाइंडर 3 and 4। इसका मतलब क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को ही डिवाइड कर रहे हैं, एंड डिवाइड करने के टाइम इसके टाइम 3 रिमाइंडर और इसमें 4 रिमाइंडर, तो सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर दो, तभी हम लोग को मिल जाएगा जो एक नंबर है जो एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 315, एंड इसको माइनस करोगे तो 735। अब इन दोनों का HCF फाइंड आउट करो। देखो, लार्ज नंबर का HCF फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस मैंने बताया था, क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड आउट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसका डिफरेंस क्या होगा, 0
टू फोर। अब इसका जो फैक्टर्स है, इसका जो फैक्टर्स है ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो 420 इसको इजीली कर सकते हो, 10 को 42 इंटू 10। देखो शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए कैसे भी तुम कर सकते हो, 42 को कैसे तोड़ सकते हो, 6 इंटू 7 और 10 को 2 इंटू 5। और 6 को तोड़ो कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 7 2 इंटू 5। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, 2 कितना टाइम, 2 टाइम 3 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया तुम्हारा इसका फैक्टर्स, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान देना है यहाँ पे कौन सा फैक्टर इन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज इसको नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 315। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 5 3 × 3 × 5 × 7। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 735, कितना आएगा, 3 × 5 × 7 × 7। तो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 7। तो 3 × 5 × 7 क्या आएगा, 35 × 3 दैट मीन्स 105 इज द एचसीएफ। ओके, एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड दिस टू नंबर्स एंड रिमाइंडर इज दिस। आई थिंक इस चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, एंड एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो। इस चैप्टर को कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में लिखा करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है और कौन सा टाइप का वीडियो आप लोग चाहते हो। थैंक यू।